नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ति नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चित्यम्। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 56 नंबर। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। दुखेषु अनुदिग्न मनः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोधास्तित धीमुनि उच्यते। शब्दात् दुखेषु तीनों तापों में अनुदिग्न मनः मन में विचलित हुए बिना सुखेषु सुख में विगत सप्रिह रुचि रहित होने वीत मुक्त राग आसक्ति भय क्रोधः तथा क्रोध से स्थित धी स्थिर मन वाला मुनि ही मुनि उच्यते कहलाता है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चास्य वृत्ति ऋषि अस्य मतम न भिन्नम महाभारत वन पर्व 113.117। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि ही सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों यानी तापों को भगवत कृपा के कारण के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो पीछे हमने श्लोक पढ़े थे, श्लोक संख्या 54 है ना। 54 में हमने क्या पढ़ा था कि अर्जुन ने वहाँ पर चार प्रश्न पूछे थे भगवान कृष्ण से। तो अब भगवान उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया, तो वो चार प्रश्न मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, ताकि याद रहे। अर्जुन ने चार प्रश्न पूछे थे कि अध्यात्म में जो लीन चेतना वाला व्यक्ति है उसकी परिभाषा क्या है, वे कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन का पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि उसकी चेतना की परिभाषा क्या है, और अब जो है भगवान दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो बोलता कैसे है। तो यहाँ पर भगवान का जो उपदेश है वो क्या है, दुखेषु अनुदिग्न मनः, कि जिसका मन दुखों में उद्विग्न ना हो, विचलित ना हो जिसका मन। जब दुख आते हैं, जब विपताएं आती हैं तो विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन का प्रश्न था कि बोलता कैसे है जो कृष्ण भावना भावित होता है। तो इस प्रश्न में अर्जुन का जो भाव था वो ये था कि इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कितने दुख आते हैं इंसान के पास, बहुत दुख आते हैं हमेशा इंसान के पास। आप देखेंगे दुख रहेंगे ही रहेंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि ऐसी स्थिति में भी वो इंसान उद्विग्न ना हो, और फिर उस स्थिति में भी वो इंसान सदा कृष्ण के बारे में ही बोले, कैसे संभव हो सकता है। यहाँ प्रश्न था कि बोलता कैसे है। तो जब विपदाएं आती हैं तो उस स्थिति में भगवान के बारे में कैसे बोल सकता है, क्योंकि इसका रीजन यही है कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो दुखों से उद्विग्न नहीं होता, इसलिए वो हमेशा प्रचार कार्यों में लगा रहता है, उसको अपने दुख नहीं दिखते, वो अपने दुखों से प्रभावित नहीं होता। दुख होने के बावजूद भी वो हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता रहता है, उनका प्रचार करता रहता है। और
इससे पिछले श्लोक में 55 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहा था, भगवान कह रहे थे वहाँ पे कि वे अपने मन में स्थित समस्त इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का त्याग कर देता है। जब इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं जो इच्छाएं होती हैं जब व्यक्ति उनका त्याग कर देता है तो फिर क्या होता है, वो उद्विग्न कभी नहीं होता, विचलित नहीं होता। क्योंकि भगवान गीता में 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के जो भोग हैं वो वास्तव में दुख उत्पन्न करते हैं। तो इससे ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने मन में स्थित जो इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं उनको त्याग देता है तो उसका मन कभी भी दुखों से उद्विग्न नहीं होता, उनसे विचलित नहीं होता वो इंसान। तो पर देखा जाता है कि सामान्य व्यक्ति, देखो ये तो बात हुई उस आदमी की जो बड़ा भक्ति में एडवांस है, स्थिर जिसकी बुद्धि है, वो उद्विग्न नहीं हो सकता। पर जो सामान्य व्यक्ति हैं ना, जैसे हम जैसे बद्ध जीव हैं, जब वो ऐसी स्थिति में आते हैं तो क्या होता है, तुरंत उद्विग्न हो जाते हैं वो इंसान। पर यहाँ पे इसलिए कहा कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इंद्र तृप्ति की कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। जो एक आम इंसान के लिए दुख लगते हैं वो भक्ति में जो एडवांस भक्त होता है, जिसकी बुद्धि स्थित होती है भक्ति में, मन जिसका स्थिर होता है, वो उन परिस्थितियों में कभी भी उद्विग्न नहीं होता जो आम इंसान हो जाता है। क्योंकि वो जानता है, भगवान गीता में कहते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, ये जो संसार है दुखाल्यम है, वो पहले से जानता है। जब दुखाल्यम है तो इसमें सुख की इच्छा वो करता ही नहीं। जैसे हम किसी दुकान पे जाएं जहाँ पे कपड़ा है, वस्त्रालय, तो वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, सब्जी नहीं मिलेगी। वैसे ही वो जानता है कि जब मैं इस दुखालयम में हूँ, भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है तो यहाँ सुख कैसे मिल सकता है, तो उसे इच्छा ही नहीं होती, उसे इच्छा ही नहीं है कि मुझे सुख मिले, क्योंकि सुख मिलेगा ही नहीं, पहले से मान चुका है यहाँ पे। इसलिए वो जानता है यहाँ दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई बड़ी बात हैरानी की बात नहीं है। और दुख मिलते भी हैं तो क्या समझता है, भगवान की कृपा, दुख को भगवान की कृपा मानता है। और ये सोचता है कि मेरे ये पिछले कर्मों जन्मों के कारण ही मुझे दुख मिलते हैं, और ऊपर से ये भी सोचता है कि मुझे तो बहुत दुख मिलने थे, ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे दुख भगवान ने बहुत कम करके दिए हैं। तो यहाँ पे तीन ताप कहे गए हैं, है ना, तीन तापों का, जो त्रय तापों के होने पर भी लिखा है मन में विचलित नहीं होता। तो तीन ताप कौन कौन से हैं, तीन ताप आपने पढ़े ही होंगे। तीन ताप में पहले आता है आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो अपने शरीर से, मन से जो हमें उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं आध्यात्मिक दुख। अपने शरीर से मिलना, अपने मन से मिलना, और जैसे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, जितने भी कष्ट होते हैं ये क्या आध्यात्मिक दुख कहे जाते हैं। यहाँ तक कि लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि जितने भी कष्ट हैं ये मन से ही उत्पन्न होते हैं सारे। इसलिए जो भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, वो सदा कृष्ण पे आश्रित रहता है, और उसे जैसी भी स्थिति में भगवान रखते हैं वो वैसे ही रहना चाहता है, वो कभी भी प्रयास नहीं करता। इसलिए उसके मन में काम, क्रोध, लोभ जितने भी ये हैं, दुख आते हैं, परेशानी आती हैं, पर क्या करता है, उनको कष्ट नहीं समझता, उनको कष्ट नहीं मानता वो। अब रही बात शरीर की, शरीर से कष्ट उत्पन्न होते हैं हमें, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि, यही चार कष्ट हैं, ये शरीर से उत्पन्न है। तो ये जो शरीर से उत्पन्न कष्ट होते हैं
इनसे भी डरता नहीं वो, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर हूँ ही नहीं। जब शरीर से आप पहचान करोगे अपनी, तभी तो डर महसूस होगा, तभी तो उसको डर रहता है। पर वो शरीर मानता ही नहीं, वो अपने को आत्मा मानता है, क्योंकि आत्मा का जन्म होता नहीं, इसलिए कहता मुझे डर की बात नहीं है। तो ना उसे बुढ़ापा होने का डर है, ना उसे बीमारी का डर है, ना उसे मृत्यु का डर है। वो टोटली भगवान पे समर्पित रहता है, भगवान के प्रति आश्रित रहता है। देखते हैं जब मृत्यु आती है इंसान कितना भयभीत होता है, कितना डर जाता है मृत्यु के समय, कितना डरता है। पर हम देखते हैं जब प्रभुपाद जी के अंतिम समय में प्रभुपाद जी को देखने के लिए कुछ डॉक्टर आए, 10-12 डॉक्टर आए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद जी बिस्तर पे लेटे हैं, प्रभुपाद जी ने खाना पीना छोड़ दिया था। तो प्रभुपाद जी से मिलने आए, वो चेक करने आए प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, कैसे हो, ठीक हो, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सफ़र कैसा रहा। डॉक्टर परेशान सोचने लगे कि इतनी दुख में हम देख रहे हैं, इतनी तकलीफ है, और हमारे हाल चाल के बारे में पूछ रहे हैं। तो भक्त जो होता है कभी भी है उसे दुख नहीं होता, मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि शरीर तो मैं हूँ ही नहीं। वैसे ही एक बार शायद मैंने आपको पहले बताया था जयनंद प्रभु के बारे में, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू करी थी। तो जयनंद प्रभु को कैंसर था, और जब वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो उनको पता था उनको मरना है, उनकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये ज़्यादा दिन जिएंगे नहीं। पर ऐसी परिस्थिति में भी डॉक्टरों को, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रचार करते रहते थे, हमेशा प्रचार करते थे मृत्यु सामान्य तब भी। और पता क्या कहते थे, वो कहते थे जयनंद प्रभु कि ये जो रोग है, जो मुझे कैंसर है, ये भगवान की कृपा है। कहते हैं, कहते हैं मैंने कभी भी कृष्ण भावना भावित यानी भक्ति का इतना आनंद नहीं लिया जितना मैं अब ले रहा हूँ। कैंसर में है, मृत्यु नज़दीक है सामने, वो कहते थे कि जो आनंद मुझे भक्ति का इस टाइम आ रहा है, वो आनंद मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। हरिदास ठाकुर के बारे में देखिए, हरिदास ठाकुर को मृत्यु का कोई डर नहीं था। हरिदास ठाकुर जब मृत्युशैया पे थे, अंतिम समय था उनका, 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख नाम। चैतन्य महाप्रभु आए, कहते हैं हरिदास तुम, इतना शरीर तुम्हारा जर्जर हो चुका है, बूढ़े हो चुके हो, तुम नाम नहीं ले पा रहे हो, अब तो नाम लेना कम कर दो। कहते नहीं महाप्रभु, मैं नाम लेना कम नहीं कर सकता। कहते मुझे बस चिंता एक ही बात है, मुझे इस बात की चिंता नहीं मैं मरने वाला हूँ, चिंता इस बात की है मैं 3 लाख नाम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, 3 लाख माला पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस बात का दुख है। तो मरने का दुख उनको नहीं है, उनको दुख क्या है कि माला पूरी नहीं हो रही मेरी। 3 लाख नाम कम होता है, 64 माला करना भारी पड़ जाता है रोज, 64 माला को 3 बार करना डेली, मतलब 18-20 घंटे डेली माला करना, ये उनका नियम था। तो ये उनको डर था मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे होते आदि भौतिक दुख, जो आदि भौतिक दुख कौन होते हैं, जो हमें दूसरों के द्वारा मिलते हैं, जैसे मच्छर, खटमल, अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, है ना, इनके द्वारा जो दुख मिलते हैं उनको कहते हैं आदि भौतिक दुख। तो जब हमें किसी दूसरे के द्वारा दुख मिलते हैं, तो जो भक्त होता है वो कभी भी उनको दोष नहीं देता, वो सोचता कि मुझे इस इंसान से दुख मिला है, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पिछले जन्म में ज़रूर इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, इसलिए भगवान ने मुझे कष्ट दिया है, इनको माध्यम बनाया है। कभी भी वो क्या करता है, उसको दोषी नहीं देता, उसको दोषी नहीं ठहराता, ये है भक्त। तो तीसरा दुख कौन होता है, तीसरा दुख है आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख होते हैं जो हमें मिलते हैं प्रकृति के द्वारा, जो प्राकृतिक दोष दुख हैं, जैसे प्रलय आना, भूचाल आना, कोई महामारी आना, जैसे अभी कोरोना है, ये क्या है, आदि दैविक दुख है। तो भक्त दुखी होता ही नहीं, पता है कि ये तो होना ही है,
प्रलय के दुख मिल रहे हैं, अभी जैसे दुख मिल रहे हैं, तो किसकी बदौलत है? भगवान ने थोड़े ना दिए हैं। हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया है, हमें तो हमारे कर्मों के दंड मिल रहे हैं। कि संसार दुखों का है, दुखालयम आशाश्वतम है, इसलिए जानता है कि यहाँ दुख मिलने ही मिलने हैं, वो निश्चिंत रहता है। वो जानता है इसलिए दुख मिल रहे हैं ताकि भगवान हमें रियलाइज करवा रहे हैं ये जगह रहने लायक है ही नहीं, यहाँ भजन करो, यहाँ से निकलो। हमें भगवान एहसास दिलाते हैं, जब कष्ट मिलते हैं, विपत्तियाँ आती हैं, तो हमें भगवान एहसास दिलाते हैं कि ये जो जगह है यहाँ दुख मिलने ही मिलने हैं, इसलिए भजन करो, यहाँ से निकलो। तो ये भक्त कृपा मानता है भगवान की, और बल्कि और प्रचार करता है, अभी बल्कि और प्रचार करना चाहिए। वो सोचता है मुझे तो अभी और मौका मिला है प्रचार करने का, क्योंकि अभी लोग परेशानी में हैं, दुख में हैं, तो मुझे और प्रचार करना चाहिए, इन लोगों को भगवान से जोड़ना चाहिए, इनका भक्त बनाना चाहिए भगवान का इनको। तो अब ऐसी स्थिति में भगवान के भक्त और जो हैं एक्टिव हो जाते हैं प्रचार कार्य में, और भगवान की कृपा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों को एहसास हो जाए कि देखो तुम यहाँ रहोगे दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, भजन करो निकलो यहाँ से। पर भगवान का भक्त खुद उद्विग्न नहीं होता, तीनों प्रकार के तापों से उद्विग्न नहीं होता। तो दूसरा उपदेश क्या है भगवान का? दूसरा क्या कहा भगवान ने? सुखेशु विगत स्पृहा, सुखेशु विगत स्पृहा, मतलब कि जो व्यक्ति सुखों में आसक्त नहीं होता। तो जो भक्त होता है उसको अगर सुख मिलते भी हैं तो उनमें आसक्त नहीं होता, बल्कि प्रचार कार्यों में लगा रहता है। और जब कोई देखते हैं, दुनिया देखती है ये भक्त कितने सुखी हैं, भगवान अपने भक्त को कोई ऐश्वर्य देते हैं तो दुनिया उनसे ईर्ष्या करती है। जब ईर्ष्या करती है तो वो भी मौका मिलता है उनको समझाने का, लोगों को प्रचार करने का, देखो मैंने ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान मुझे दे रहे हैं, इसलिए आप भी भक्ति करो और आप भी फ़ायदा उठाओ, आपको भी भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर भी। लोगों को आश्वस्त करता है इस बात को लेकर। और जब उनको कोई ऐश्वर्य मिलता है, सुख मिलता है, तो उसको क्या करता है? भगवान की सेवा में लगाता है, भोगता नहीं। जब सुख मिलता है भगवान के द्वारा उसको, तो वो उसके सुख के माध्यम से कुछ कुछ मिलता है, कृपा मिलती है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, तो उस धन को भगवान की सेवा में लगाता है। वो सोचता है मुझे भगवान ने और अच्छा मौका दिया है, अच्छी जॉब मुझे दी है भगवान ने, तो इसका मतलब है मैं और अच्छा प्रचार कार्यों में इस धन को लगा सकूं। वो है भक्त, और अपने निजी सुख को त्याग देता है, सुख त्यागता है और दूसरों को सुखी करने का प्रयास करता है, वो है भक्त। तीसरा क्या कहा? बीत राग भय क्रोधा, बीत राग भय क्रोधा कहा कि जो व्यक्ति राग भय तथा क्रोध से मुक्त है, तीन शब्द है राग भय तथा क्रोध से मुक्त है। तो राग किसे कहते हैं? हमने पढ़ा, तात्पर्य में लिखते हैं प्रभा जी, राग के लिखा है इस भौतिक संसार में जिस व्यक्ति के द्वारा हमें इंद्र तृप्ति की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उस व्यक्ति से हमें राग हो जाता है। मतलब कि जिस इंसान से मुझे कुछ सुख मिलता है उससे राग उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पे भरत महाराज को राग किससे हुआ? हिरण से राग हुआ उनको, क्योंकि वो अपनी आँखों से जब हिरण को देखता था उनको सुख मिलता था। और होता क्या है, जब हमें किसी से राग हो जाता है, जैसे भरत महाराज को हिरण से राग हुआ, तो हिरण के से राग होने से उनका भजन बंद हो गया, भगवान की भक्ति बंद हो गई। इसीलिए इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति के प्रति है हमारा अगर राग का संबंध हो जाए तो हमारा प्रचार, हमारी भक्ति बंद हो जाती है। हमें किसी भी इंसान से राग नहीं लगाना चाहिए, राग उत्पन्न नहीं करना चाहिए, हमें राग उत्पन्न करना चाहिए किससे? भगवान से, भगवान के शुद्ध भक्तों से, उनके प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा क्या? भय। भय किसे कहते हैं? भय का मतलब है इस संसार में जिस व्यक्ति से हमें राग है ना,
राग हुआ, और फिर हमें लगता है कि अब जो भोग की वस्तुएं मैंने हासिल करी हैं, अब ये भोग की वस्तुएं कहीं चली न जाए मेरे हाथ से, तो उनको खोने से क्या होता, भय होता है इंसान के प्रति। तो भक्त में ये नहीं होता भय, क्योंकि उसको इंद्र तृप्ति की भोगने की इच्छा ही नहीं है उसके अंदर, ना खोने की उनको चिंता है कि अगर चला भी जाए हाथ से तो डर नहीं है। भय होता है खोने का, पर उसको भय नहीं है खोने का, उसे कहते हैं भक्त। तो तीसरा होता है क्रोध। क्रोध किसे कहते हैं कि जब इंसान को इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति की इच्छाएं होती हैं, उनको भोगने का प्रयास करता है, पर वो कामनाएं पूरी नहीं होती। जो कामनाएं भोगने की जब पूरी नहीं होती हैं तो इंसान को क्या होता है, क्रोध पैदा होता है, मेरी इच्छा क्यों ही पूरी हो रही है, क्यों, वो निर्बल है, कमज़ोर है, कहीं कोई मेरे सुख को छीन ना ले, मुझे सुख मिला है कहीं हाथ से चला ना जाए, तो इसके लिए क्रोध करता है। पर जो भक्त होता है, वो भक्त जो होता है इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, और उसके डर होता ही नहीं कि मेरे से कोई ये सुख छीन लेगा, जो मेरे पास है उसको छीन लेगा, उसको कभी चिंता नहीं होती इस बात की। तो इसलिए भक्त राग भय क्रोध से मुक्त होता है। भगवान ने अगला उपदेश क्या दिया था, इसमें चार उपदेश हैं श्लोक में, चौथा है, इसमें कहा है भगवान ने स्थित धी मुनि उच्चते, मतलब कि ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है, या मुनि कहा जाता है, भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो मुनि शब्द की व्याख्या अगर करें तो मुनि शब्द के कई अर्थ होते हैं, उनमें से एक अर्थ है मौन धारण करने वाला, जो मौन धारण करता है उसे मुनि कहते हैं, या मननशील, जो हमेशा मनन करता है उसे मुनि कहते हैं। तो पिछले श्लोक में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बोलता कैसे है, कैसे बोलता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वे उन अवसरों पर मौन रहता है या मौन धारण करता है जिसमें उसे भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरी बातें बोलनी पड़े। जैसे हम बैठते हैं घर घर की कहानी, एक दूसरे की निंदा इंसान करने लगता है, बैठते हैं कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, कोई यहाँ की बात कर रहा है, तो ऐसी जगह पे बैठकर भक्त मौन धारण कर लेता, उसे मुनि कहते हैं, उसे मुनि कहा गया है, वो उस स्थिति में कभी नहीं बोलता। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनः, मतलब कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दुखों के समय उद्विग्न नहीं होता, मतलब इसका ये है जो दुख आते हैं तो रोता नहीं चिल्लाता नहीं वो इंसान, या अपने दुखों का वर्णन नहीं करता, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे ये परेशानी है, मुझे कभी नहीं किसी के सामने ज़्यादा बोलता, क्योंकि वो जानता है कि मैं जितना गुणगान करूँगा दुखों का, अपनी शक्ति का उतना ही दुरुपयोग करूँगा बोलने का, जो बोलने की जो वाक शक्ति है उसका मैं दुरुपयोग क्यों करूँ बोल बोल के फालतू में। वो भक्त जो होता है जब दुख आते हैं ना, परेशानी भी होती है, उस टाइम भी कृष्ण की चर्चा करता है। मुनि का मतलब वो होता है, मुनि का मतलब ये नहीं मौन धारण कर लेना, मुनि का मतलब है कि बेवजह ना बोलना, अनाप शनाप ना बोलना, उसे मुनि कहते हैं। बोलना तो भगवान के बारे में ही बोलना, उसे मुनि कहते हैं, उसे मौन धारण करना कहते हैं। जैसे मैंने कहा जयनंद प्रभु के बारे में, जयनंद प्रभु मृत्युशैया पे हैं, कैंसर की आखिरी स्टेज है, कृष्ण कथा करते थे, प्रचार करते थे, प्रभुपाद जी हैं अंतिम समय में प्रचार करते थे, तो वो क्या होते हैं अपनी बोलने की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, कथा करते हैं सिर्फ कृष्ण के बारे में। तो भगवान ने क्या कहा गया फिर, कहते सुखेशु विगत प्रिया, मतलब सुख में भी वे असक्त नहीं होता, यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुख में भी असक्त नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि जब उसे सुख आते हैं, जैसे दुख में इंसान अपने दुखों का वर्णन करता है, अरे मुझे ये हो गया, मुझे ये परेशानी है, वैसे ही
मतलब है सुखेशु विगत रिहा, मतलब सुख आते हैं तो अपने सुख के बारे में ज़्यादा गुणगान नहीं करता कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, अपने सुख का भी वर्णन नहीं करता, क्योंकि वो जानता है इसमें बोलने की शक्ति का वो दुरुपयोग कर रहा है। वो बोलता है सिर्फ कृष्ण के बारे में, ये है भक्त का लक्षण। तो इसलिए मुनि का मतलब क्या हुआ कि वे ऐसे अवसरों पर जहाँ अपने सुख दुख या अन्यों के प्रति जो राग भय तथा क्रोध की चर्चा होती है वहाँ मौन धारण कर लेता है, वहाँ चुप हो जाता है, पर जैसे ही उसको कृष्ण के बारे में बोलने का मौका मिलता है गुणगान शुरू कर देता है, उसे कहते हैं मुनि। तो इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार वह जब सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अपने आप को अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है और वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी दुखद सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा वह और अच्छी तरह से कर सकता है। यह है भक्त का लक्षण। सुख मिलेगा तो सुख का उपयोग भगवान की कृपा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए करता है। अच्छा धन मिलता है तो धन का उपयोग भगवान का मंदिर निर्माण करने के लिए, ग्रंथों का वितरण करने के लिए करता है। यह सुख का मतलब, इसका उदाहरण प्रहलाद महाराज है। प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने कितना दुख दिया, कितनी यातनाएं दी, पर कभी भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने भजन नहीं छोड़ा, कृष्ण का गुणगान करते रहे। मतलब ये था कि बोलता कैसे है, तो मतलब ये है भक्त जो होता है हमेशा कितनी भी परेशानियाँ आए भजन नहीं छोड़ता अपना। हमें तो कहाँ परेशानी आई आज तक, परेशानियाँ है ही नहीं। ये छोटा मोटा बीमारी, बुखार होना, जुकाम होना, खांसी होना, छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है। प्रहलाद महाराज को तो कितनी यातनाएं दी गई, जलती चिता में बिठा दिया, नदी में, समुद्र में फेंक दिया, पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, हाथी के नीचे कुचलने की कोशिश करी, सांपों के सामने फेंक दिया, पर कभी भी प्रहलाद महाराज ने भजन नहीं छोड़ा। तो मतलब कि हमें कभी भी विपदाएं आए अपना भजन नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी जो बोलने की शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ बैठते हैं हम चार लोग बैठते हैं, दुनिया जहान की बातें शुरू हो जाती हैं, नहीं कभी नहीं। भक्त को चुप रहना चाहिए, ऐसे संग को त्याग दो जहाँ दुनिया जहान की बातें हों, वहाँ बैठो जहाँ पे भजन कीर्तन हो भगवान का है। अगर बोलने का मौका मिले तो भगवान के बारे में प्रचार करो, भगवान के बारे में बोलो उनके सामने, अपनी वाक शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, बोलने की शक्ति का दुरुपयोग मत करो। सांसें दी हैं जिनके भगवान ने, उनका सदुपयोग करना है। हर सांस हमें प्रचार करने के लिए लगानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। हम नहीं कर पाते हैं पर प्रयास कर सकते हैं। 24 घंटे हमसे नहीं हो सकता, 12 घंटे हमसे नहीं हो सकता, 6 घंटे हमसे नहीं हो सकता, 3 घंटे हमसे नहीं हो सकता, पर नियम बनाए कम से कम। मैंने पहले भी कहा था हमें हर भक्त को प्रण लेना चाहिए। प्रण क्या लेना चाहिए कि मैं कम से कम महीने में एक इंसान को भक्त बनाऊंगा, महीने में एक कहा था मैंने। कितनों ने कोशिश करी बताइए? अगर वाकई में हमने भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, भगवान ने कहा हम जो प्रचार करता है वो भक्त प्यारा है, तो अपनी बोलने की शक्ति का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है? प्रचार करना, कीर्तन करना भगवान का। जितना हम प्रचार करेंगे, जितना कीर्तन करेंगे, उतना भगवान प्रसन्न होते हैं हमसे। तो अपनी बोलने की शक्ति का उपयोग सही करिए, प्रचार कार्यों में लगिए, जितना हो सके उतना प्रचार करिए। नियम बनाइए कि महीने में एक इंसान को भक्त बनाऊंगा,
एक इंसान। तो ये होगा हमारा बोलने की शक्ति का सदुपयोग। बोलते तो सारे हैं, देखिए मेंढक भी बोलता है, जब बरसात का मौसम आता है मेंढक कितना बोलता है, टर टर करता रहता है, देखो इतना बोलता है कि कानों में दर्द होने लगता है, वो भी बोलता है, पर बोल के क्या साबित करता है वो? ये साबित करता है मरने वाला हूँ। तो जितना टर टर करता है वो सांप को इनवाइट करता है कि आओ मुझे खाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। हम भी अपनी बोलने की शक्ति का जितना दुरुपयोग करोगे क्या फ़ायदा है इसका, मृत्यु को बुला रहे हैं हम लोग। इसलिए भगवान ने बोलने की शक्ति दी है, इसको प्रचार में यूज करिए। भगवान ने धन दिया है, इसको प्रचार में यूज करिए। अच्छा तन दिया है भगवान ने, इसको प्रचार में यूज करिए। अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने, इसको प्रचार में यूज करिए। मतलब कि हमें अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना है, प्रचार में लगाना है। हर चाहे दुख हो सुख हो, सुखेशु दुखेशु, दोनों परिस्थितियों में इंसान को अपने आप को सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा मुनि है ना, जो मुनि का वर्णन किया, मुनि वही होता है। तो इसलिए हमें मौन धारण करना चाहिए, हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। मतलब कभी ना बोलना, मतलब वो बात नहीं बोलनी जो भगवान से रिलेटेड ना हो, वो होता है मुनि। वो मुनि नहीं कि मौन धारण किया, जी हमारे गुरुदेव ने तो मौन धारण किया है, 50 साल हो गए बोला ही नहीं, क्या फ़ायदा? भगवान ने बोलने की शक्ति दी थी, जीवा दी थी, इसका उपयोग करा ही नहीं तो बेकार है वो, तो जीवा ही बेकार है वो। तो भगवान ने जीवा दी थी ताकि भगवान के गुणगान कर सको, चुप रहने के लिए नहीं दी थी। हमने कभी देखा ही नहीं, क्यों नहीं देखा? भगवान का दर्शन करो, मतलब अपनी इंद्रियों को हमें भगवान के लिए यूज करना है। जीवा दी है तो गुणगान करने के लिए, कान दिए हैं तो श्रवण करने के लिए, आंखें दी हैं तो उनका दर्शन करने के लिए, तब तो फायदा है शरीर का। जब हम इस तरह से अपने शरीर को पूर्णतया भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वो है मुनि। और ऐसा मुनि जो होता है, विपदा में आके भी, दुख में होके भी दुखी नहीं होता, और सुख में होके भी सुखी नहीं होता। और दुख खाएगा तब भी विचलित नहीं होगा, सुख खाएगा तब भी विचलित नहीं होगा, उसे कहते हैं मुनि। भगवान ने इस श्लोक में ऐसे मुनि का वर्णन किया है। क्या कहा? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हमें प्रयास करना चाहिए अपने अंदर ये गुणों को लाने का, इन गुणों को लाने का प्रयास करना चाहिए। और तभी ये हमें, हमारे अंदर ये गुण आ सकते हैं, जब हम रोज निरंतर वे नागा नित्य हम इनका श्रवण करें। जितना हम श्रवण करते हैं उतने गुण हमारे अंदर आते हैं, क्योंकि जिसका आप ज़्यादा संग करते हो वैसे ही गुण आपके अंदर आ जाते हैं। और हम रोज ये सुने तो हमारे अंदर ही गुण आ ही जाएंगे, पूरे नहीं आए, थोड़े आए, पर आएंगे जरूर। इसलिए रोज़ सुनना चाहिए, रोज़ सुनने का प्रयास करिए, रोज़ ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास कीजिए, रोज़ ध्यान से माला जपने का प्रयास करिए, तब हम भी ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।